नमस्कार, आइए साथ पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक जरूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया। चैनल का नाम है सरस्वती बामिश्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। ये कनिष्ठ उंगली और यहाँ पर सूर्य के पहले पद तक पहुँच गई है, यानी कुल मिलाकर के कहूँ तो बुद्धि की किसी प्रकार से कमी नहीं, अच्छी बौद्धिक क्षमता आपके पास में, अच्छा ज्ञान की क्षमता आपकी उंगली के अंदर है, अच्छी याददाश्त आपके अंदर मौजूद है, सही तरीके से करीने से दूसरों से व्यवहार करते हैं और सभी लोगों को सही सलाह भी देते हैं। आइए बात कर लेते हैं एक दूसरी उंगली की, जिसको बोलते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली यश की उंगली, उन्नति की उंगली, साथ ही साथ आत्मविश्वास की उंगली और दृढ़ता के साथ संकल्प से लड़ने की शक्ति इस उंगली के अंदर विराजमान है। तो यहाँ पर सभी प्रभावों में कुल मिलाकर के अच्छे इंडिकेशंस हैं, ये सब चीज़ें आपके अंदर समर्थित रूप से विराजमान हैं। बात करें आपकी तीसरी उंगली, इसको बोलते हैं धन की उंगली, यानी कि शनि की उंगली। शनि की उंगली स्वास्थ्य के लिए, राजनीतिक इच्छाओं के लिए, यहाँ इन सब चीज़ों के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ आपकी उंगली का यहाँ संबंध जो है वो साढ़े साथी ढैया से दिखा जाए तो वो अनुकूल है। साथ ही साथ आपने बृहस्पति की उंगली को और यहाँ सूर्य की उंगली को एकदम, ये दोनों के साथ चुपकी उंगलियाँ जब चलती है तो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने परिवार को संग ले करके आगे चलता है। बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की, ये अपने आप में बिल्कुल सीधी खड़ी उंगली, जब इस प्रकार की उंगली खड़ी होती है तो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, ईश्वर के प्रति आस्था रखता है, साथ ही साथ धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेता है। तो कुल मिलाकर के सारी उंगलियों के अच्छे गुण यहाँ पर विराजमान रूप से मिले। अब बात करता हूँ आपके बुध पर्व की। बुध पर्व भले ही यहाँ पर कोई ऐसी बढ़िया रेखा नहीं मिली जो कैसे पीएचडी कराती है, रिसर्च कराती है, या किसी व्यक्ति आप व्यक्ति की सोच होती है चीज़ के अंदर बढ़ करके उसकी बहुत खोज करना, यानी कि बहुत ठोक ठोक कर बजा करके एक कदम जो चलता है उसके पास यहाँ खड़ी रेखाएं मिलती हैं, वो तो नहीं है, लेकिन पर्वत समरूप से है, यानी कि कुल मिलाकर के धन के आगमन बने ही रहते हैं। अब बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली के नीचे सूर्य का पर्वत और सूर्य के पर्वत पर बीच में दीप बन करके ऊपर को चलने वाली रेखा है। जब इस प्रकार की रेखा मिलती है तो यश और सम्मान जीवन के अंदर व्यक्ति का बना रहता है, यानी कुल मिलाकर कहूँ तो जीवन में सम्मान के लिए जो चिन्ह चाहिए वो व्यक्ति के पास होती है। साथ ही साथ एक ये रेखा जब इस तरह की यहाँ से होती है तो व्यक्ति, अधिकतर मैंने देखा है कि वो व्यक्ति व्यापार से जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ तो दूर दूर के लोग आकर के इनसे सम्मान ले जाते हैं। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर सीधा सीधा आपके धन का पर्व। धन का पर्व यानी कि शनि का पर्व और अनुकूलता के साथ बहुत ही शानदार रूप से दो रेखाएं खड़ी हैं, यानी कि जीवन के 55 वर्ष के बाद में किसी भी चीज़ की आपके पास कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपके पास अच्छा लग्जीरियस जीवन होगा, मकान होगा, सब चीज़ें सुख संपन्नता के साथ में आपके पास विराजमान होंगी। बृहस्पति पर्व, यहाँ बृहस्पति पर्व पर कोई खड़ी रेखा नहीं है, मत हो, थोड़े बहुत अगर इंडिकेशंस होंगे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर्वत अनुकूल है। पर्वत अनुकूल का मतलब सबसे ज़्यादा ये होता है कि पर्वत के फल मिल जाना। जब पर्वत अनुकूल होता है तो व्यक्ति के पास स्वयं का मकान भी होता है और साथ ही साधन भी ठीक ठाक होते हैं, तो यहाँ कुल मिलाकर संतान का सुख सहयोग भी व्यक्ति को मिलता है। आइए बात कर लेते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा सुरुचता के साथ में चलती हुई आपकी रेखा और संपन्नता के साथ चलती हुई रेखा जब चलती है तो व्यक्ति को अपनी पत्नी का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के पत्नी से सुख सहयोग, साथ ही साथ मन के अंदर ज़्यादा बातें ऐसा व्यक्ति नहीं दबा पाता है, खुल करके बात करता है, अपने मन से मन के अंदर बातों को दबा करके नहीं रखता। अभी कोई बड़े रोग के संकेत भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। अब बात कर लेते हैं हम आपके सीधा सीधा यहाँ पर आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व, प्रथम मंगल पर्व अनुकूल रेखाओं के साथ में चलने वाली रेखाएं, यानी आप जीवन के अंदर संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, काम के प्रति आपका जुनून लगा रहता है, इस प्रकार की रेखाएं निकल करके यहां से जाती हुई। अब मैं बात करता हूं यहां पर सीधे सीधे आपके मंगल द्वितीय पर्व की। मंगल द्वितीय पर्व मुझे यहां किसी भी प्रकार की कोई रेखा नज़र नहीं आ रही। जब मंगल द्वितीय पर्व पर किसी भी प्रकार की कोई रेखा नज़र नहीं आती है तो व्यक्ति को मुकदमों का, झगड़ों का, कोर्ट कचहरी का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर यह अनुकूल स्थिति आपके हाथ के अंदर दिखलाई पड़ी। अब करेंगे हम बात आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बिल्कुल एकदम एक मछली बना करके चल करके बुद्धि रेखा और अनुकूलता के साथ में ये आपकी बुद्धि रेखा चली।
ज़्यादा झुकी हुई नहीं है, अच्छी खासी रेखा है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ दूर के स्थानों से जुड़ने के संयोग इस रेखा में और जरा थोड़ा आगे अगर बढ़ जाएगी, तो अगर ये रेखा थोड़ी और लंबाई में आगे बढ़ गई तो ये रेखा आपको निश्चित रूप से, आपका एक सवाल है क्या विदेश में जा पाऊँगा, इसके लिए ये मैं आपको बताता हूँ कि इसकी रेखा की यदि लंबाई और आगे बढ़ गई थोड़ी सी तो वो विदेश में जाने के संयोग आपको बना देगी। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं नीचे आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत बड़ा ही अनुकूल पर्वत है। जब इस प्रकार का अनुकूल पर्वत होता है तो व्यक्ति के को अपने जो व्यापार, यदि सफ़ेद चीज़ों से संबंधित कोई व्यापार हो, या कपड़े का काम हो, या दूध का काम हो, या पेट्रोल का, डीजल का, यानी लिक्विड चीज़ों का काम हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा सफलता व्यक्ति को मिलती है। तो कुल मिलाकर पर्वत अनुकूल है, किसी प्रकार की टेंशन को नहीं दर्शाता है, किसी प्रकार के रोगों को भी यहाँ पर कहीं पे कैसे नहीं भी ये दर्शा रहा है। तो रोग भी नहीं, टेंशन भी नहीं, चाहे स्थिति आपकी कैसी भी है। अब बात करते हैं सीधा सीधा आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, और ये भाग्य रेखा अभी यहाँ से चली है, अगर इसमें ये भाग्य रेखा यहाँ से जुड़ करके ये रेखा और यहाँ मिल गई तो ये भी एक संकेत होगा, इस पर भी आपको ध्यान करना होगा। ये रेखा आपको अगर जब ये बीच में से मिल जाएगी तो ये आपको बिल्कुल विदेश में पहुँचा देगी। तो इसको भी आपका एक सवाल है, इसलिए मुझे बार बार इसको बताना पड़ रहा है क्या विदेश में जाऊँगा। तो ये दो चिन्ह मैंने आपको बताए, साथ ही साथ यहाँ पर ये आपकी भाग्य रेखा के रूप में चलने वाली रेखाएँ आपके जीवन के अंतर्गत, एक तो ये भाग्य रेखा चल रही है और एक ही भाग्य रेखा चल रही है। दो रेखा भाग्य रेखा और 55 वर्ष तक के लगभग लगभग धीरे धीरे पहचान बनाती हुई चल रही हैं। यानी कुल मिलाकर कहूँ तो एक ही व्यापार में आप चलेंगे, और दूसरा अगर मैं कहूँ तो कुछ ना कुछ दूसरा भी ऐसा व्यापार है जिसके द्वारा आपको, या तो पत्नी के द्वारा आपको इनकम के साधन है, या तो कोई प्रॉपर्टी में किराए का या कुछ और साधन के द्वारा आपके पास आमदनी है। तो इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखाएँ, हल्के हल्के चिन्ह जब चलते हैं तो व्यक्ति की दुकान चलती नहीं है, यानी कि अच्छी प्रकार से नहीं चलती है जब हल्के हल्के इस प्रकार से कट मौजूद होते हैं। अगर नौकरी में होता है तो व्यक्ति को परिवर्तन या ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार के संकेत यहाँ आपकी रेखा के अंतर हैं, परंतु काम आपका चलता रहेगा और वही चलता रहेगा। तो आपने कहा उधार गया पैसा वापस नहीं आता, तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ, सवाल का जवाब देता हूँ कि अगर आपकी दुकान के अंदर आपने महालक्ष्मी जी की मूर्ति रखी हुई है तो आप कृपया करके जो खड़ी हुई महालक्ष्मी जी की मूर्ति है उसको रखें, क्योंकि खड़ी लक्ष्मी का मतलब होता है धन का आगमन आना जाना, यानी धन जाए भी, यानी माल बिके भी और पैसा आए भी। तो एक तो आपको ये करना है, बाकी उपाय मैं बाद में बताऊंगा। दुकान पर ग्राहक कम आते हैं, इसके लिए मैं आपको बता दूंगा, निश्चित रूप से आप रोज़ाना बैठ करके अपनी पूजा पाठ के अंदर रोज़ाना श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का पाठ कीजिए अपनी दुकान के अंदर, फिर देखिए आपके पास रोज़ाना ग्राहकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। 108 दिन बाद ये सिद्धि हो जाती है, लगातार करने के बाद आदमी का सुचारू रूप से काम चलता है। आपने कहा दुकान किराए पर है, क्या कभी खरीद पाऊंगा? देखिए मैं आपको, जहाँ तक सवाल है, आपकी उम्र इस समय 41 वर्ष है, और यदि मैं 41 वर्ष के बाद देखता हूँ, यहाँ पर 41 वर्ष है ये आपकी इस रेखा के अनुसार, तो 41वें वर्ष के में के 41 और ये लगभग 42 से 43वें वर्ष में कोई ना कोई वाहन प्रॉपर्टी खरीदने का योग आपके पास में बन रहा है। तो 42 और 43 के बीच में या तो कोई वाहन खरीदेंगे, या कोई ज़मीन खरीदेंगे, या कोई दुकान खरीदेंगे, लेकिन यहाँ ये बन रहा है 42 से 43वें वर्ष के बीच में। आपने कहा कब अमीर बनूंगा? निश्चित रूप से अमीर तो आप 55 वर्ष के बाद ही बन पाएंगे, सारी आपकी जो तकलीफें हैं वो 55 वर्ष के बाद ख़त्म हो जाएंगी। तो 55 वर्ष के बाद आप अमीर बन पाएंगे। संतान क्या करेगी? संतान के लिए आपको संतान की जन्मपत्री मुझे को दिखलानी पड़ेगी, यहाँ तो संतान का सहयोग आपको मिल रहा है। संतान की जन्मपत्री मेरे पास भेज दीजिए, उनके सवाल भेज दीजिए, मैं बता सकता हूँ। तो उनकी जन्मपत्री आपको भेजनी पड़ेगी। संतान का सुख सहयोग की रेखा आपके हाथ में, संतान से सुख सहयोग आपको मिलेगा। शुक्र पर्व की बात कर लेते हैं। शुक्र पर्वत पर किसी प्रकार के कोई भी खराब चित्र नहीं है, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं, साथ ही साथ सुख साधन भी सामान्य रूप से आपके पास विराजमान है। आइए आपकी आयु रेखा को देख लेते हैं। यहाँ आपकी आयु रेखा और बिल्कुल स्पष्टता के साथ चलती हुई आयु रेखा, कहीं से कहीं तक कोई रोग के संकेत हाथ के अंदर नज़र नहीं आए। अभी वर्तमान में 74-75 वर्ष की है, आगे भी आयु रेखा आपकी बढ़ेगी, निश्चिंत रहिएगा। तो ये आयु रेखा बढ़ती रहती है। तो चलिए आपको मैं बता दूँ आपको क्या, एक तो मैंने बता दिया आपको पूजा पाठ में आपको क्या करना है, जो आपका
जो धन है वो वापिस आता रहे, उसके लिए और मैं आपको बता देगा कि आपको कैसे आएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल शनिवार के दिन हनुमान जी के आप मंदिर में जाइएगा और वहाँ पर जाकर के 4 बेसन के लड्डू का भोग, साथ ही साथ चमेली के तेल का दीपक जल्दी जला कर रख दीजिए और वहाँ पर 7 टाइम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी से प्रार्थना करो कि मेरा धन लौट करके आए। बस वहाँ ऐसा लगातार करते जाइए, 21 मंगलवार के बाद में आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया। रतन आपने पुखराज पहन ही रखा है। थोड़ा सा मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा, यदि आपने यहाँ सोने के साथ में ये लोहा पहन रखा है तो कृपया करके यहाँ से एक रिंग उठा करके दूसरे वाले हाथ में कर दीजिए। इसमें एक ही छल्ला पहन करके रखिए, कोई सा भी इसको लेफ्ट में कर दीजिए, कोई सी भी एक छल्ले को। ख़ास तौर से अगर पीतल को या सोने को नहीं पहने इस उंगली के अंदर तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। नमस्कार।